हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी को मैं ज्योति नेगी गैड़ा का प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग कुछ 9 o'clock से, और आज है संडे। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ आफ्टर भाई दूज। फुल डे का व्लॉग मैं नहीं बना पा रही थी, तो क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा लग भी नहीं रहा था, बोरिंग सा वही डेली की रूटीन लाइफ। बाकी आज है संडे, तो संडे के दिन हमारा सभी लोग घर रहते हैं बच्चे, और सबसे बड़ी बात है आज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल। तो हमारी इंडिया जीतेगी, फिंगर क्रॉस, हमारी इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी जरूर से। रात को हम सेलिब्रेट भी करेंगे उस चीज़ को। बाकी अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ है, वही सब ने दूध वगैरह पी लिया है। इन लोग का गेम चल रहा है, एक मैडम उधर बैठी हुई है, एक मैडम ये है, एक जना मैम बनता है, एक जना स्टूडेंट। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। इससे आगे मेरे पता नहीं माइक बंद हो गया था, शायद उसमें चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ। तो अब आगे का ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब आपको ले चलते हैं अंदर, क्योंकि मेरा माइक ऑफ हो गया था, मेरी आवाज़ गायब हो गई थी ब्लॉग में से। तो अंदर देखते हैं क्या क्या चल रहा है। उनकी लड़ाई चल रही है फिलहाल टीवी के लिए, और आज हमारा नेट नहीं चल रहा है। पवनदेव बैठे हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं आज जियो फाइबर का नेटवर्क नहीं आ रहा, रेड लाइट जली हुई है। अंदर चलते हैं क्या हो रहा। मम्मी टाँच रही है अपना, फट गया। तो यहाँ पे मम्मी का चल रहा है 5-star होटल वाला, पिल्लो कवर डाल लिए मम्मी, और मम्मी अपने कमरे को टाँचती रहती हैं, टाँचती रहती हैं सुबह शाम दिन रात। मम्मी ने एक कर दिया अपने कमरे को टाँचने में, पर ये कमरा नहीं टाँच पा रही है यहाँ बिखरा ही रह जा रहा है। और ये देखिए मम्मी के लहसुन को मत नज़र मारिएगा आप, लहसुन के नीचे घड़ा और आँचल के बेसन के लड्डू। तो जिसको लहसुन चाहिए हमारे यहाँ आ जाना, देखिए ऐसे लटका रखा है, मम्मी के रूम से ले जाना। ये देखो मम्मी ने 5-star वाला तक क्या कवर बांध दिया है। तो यहाँ तो इन दोनों की वही एज इट इज रोज। ये अब इसका भी चल गया है, इसको अंदर डाल, क्यों निकाल रही है उसे। अगर बेटा इस कमरे का तुमने कराना सत्यानाश, आज संडे है, कोई भी आ सकता है, और जिस दिन साफ रहता है ना रूम, उस दिन कोई नहीं आता है। जिस दिन तहलका मचा के रखते हैं, ये न्यूज़पेपर फेंक, कॉपी के पिल्लो फेंक, ये फेंक, बैग यहाँ पे, उस दिन कोई ना कोई जरूर आता है। ये देखो मम्मी का 5-star होटल वाला पिल्लो कवर है वो। ये देखो ये पोनू, इनको इनकम इस कमरे में मत बैठा लो, जाओ रे ट्यूशन रूम में जाओ। अरे आज नेट नहीं चल रहा है, देखना ब्लिंक हो रहे हैं। पोनू जियो वालों को कॉल करो यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये 2 दिन से कर रहा है ना दिक्कत नेट चलने में, एक बार कॉल तो कर लेते, देख तो जाते हो कि कुछ तार वार तो नहीं हिल गया है। कल भी नहीं चल रहा था नेट, पता है कुछ चीज अपलोड भी नहीं हो रही है, बहुत टाइम लगा रही है। और मुझे रूम सही चाहिए, मैं बता रही हूँ। गया मेरा कड़ी के लिए पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, और ये है इसका बैटर तैयार हो चुका है। ये चोर भी आ गया है मेरा, ऐसे थोड़ी खाते हैं इसको। मेरे चावल में भी सीटी आ चुकी है, और ये बन के रेडी है मेरी कड़ी अभी, मतलब इसमें उबाल नहीं आया हुआ है। जब इसमें उबाल आएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पकौड़ी, और ऊपर से तड़का मारूंगी लाल मिर्च, राई और कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता का वैसे भी तड़का मारा हुआ है, पर ऊपर से एक बार और मारूंगी करछी में तेल गरम करके। तो अभी इसको तवा रख दिया है। बाकी यहाँ पे मेरी कड़ी भी आ चुकी है उबाल, ये डाल देती हूँ अपनी बनाई हुई ये पकौड़ियाँ। ये मस्त सी बन चुकी है हमारी कड़ी। तो दोस्तों कड़ी बन गई है मेरी, और यहाँ पे मैं अभी बनाती हूँ रोटी। तवा रख दिया है, अब इसमें तड़का मारूंगी थोड़ी सी, एक दो उबाल और आने देती हूँ कड़ी, थोड़ा सा पकौड़ियाँ उसमें भीगने देती हूँ, और रोटी डालती हूँ फटाफट, फिर खाना खाते हैं। आज मार्केट भी जाना है, आज ना मुझे जनेऊ में भी जाना था, हल्दूचौड़ की एक भाभी है, उनके बेटे का जनेऊ था, पर देखती हूँ आज टाइम है, मतलब जनेऊ तो हो गया, आज महिला संगीत है वहाँ पे, अब देखती हूँ टाइम होता है क्या होता है। सोचा तो है जाने का, लेकिन आज संडे है, मेहमान भी आते हैं, अभी भी कोई दादा आए हुए हैं पहाड़ के, और अब मैं देखती हूँ जो भी टाइम होगा। आज थोड़ा सा हमें मार्केट भी जाना है, फैमिली में शादी वगैरह है, मेरी बुआ की बेटी की भी है, मामा जी के बेटे की है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी शॉपिंग करनी है,
और जो भी टाइम होगा, क्योंकि संडे का ही दिन मिलता है पवन को भी, पवन के लिए ही लेनी है शॉपिंग, पवन के लिए ही करनी है, उन्हीं के पास नहीं है, मेरे पास तो साड़ियाँ भरपूर हैं बहुत ज़्यादा। और अब मैं फटाफट से रोटी डालती हूँ, सबको खाना खिलाती हूँ, सब्जी मेरी पहले से बन चुकी है, हरी सब्जी बना के रखी हुई है मैंने, फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। और कड़ी कैसी, अभी तड़का मार के कैसी होती है पता नहीं। जैसे मूली की झोली वगैरह तो हम बनाते रहते हैं, जो पहाड़ी ककड़ी की बड़ी होती है उनकी भी, तो आज कड़ी मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाई, बहुत पहले बनाई थी, मतलब 5-6 महीने पहले फरवरी मार्च में बनाई थी, तब से आज ही बना रही हूँ मैं, कैसी होती है पता नहीं। क्या भयंकर तड़का तैयार होते हुए यहाँ गजब झोली के लिए, ये देखिए यहाँ मेरा पेपर नहीं बना है, इसकी झोली बन चुकी है। तो दोस्तों ये तड़का जो मैंने रेडी करा था, ड्राई कड़ी पत्ता और लाल मिर्च छोटी वाली डाल दी, क्योंकि इसमें आएगी नहीं ना बड़ी लाल मिर्च, और इसमें मैंने रख रखा है तेल कड़छी में, मतलब स्वाहा कर सकते हैं किसी स्वाहा। तेल गरम हो गया है मेरा, डर रहे हो तुम, ये तो उबलता हुआ लावा जैसा निकल लिया है भयंकर, बहुत टेस्ट आता है इसका तड़का मार के। खुशबू देखा, मुँह में पानी नहीं आ रहा है, तभी आ रहा है ये कितना पानी आ रहा है वो दिख रहा है खाना बनते बनते मुंह में भी पानी आ गया इनके। आप कहाँ थे छत में, वो आए हैं दादा आए हैं। तो यहाँ पे कड़ी में तड़का भी मेरा लग चुका है, कड़ी बनके रेडी है, अब मैं डालती हूँ रोटी, मैंने अभी तक रोटी नहीं डाली है, उस टाइम से मैं बोल रही हूँ रोटी डालनी है, तो फटाफट रोटी डालती हूँ, गर्मा गर्म सबको खाना सर्व करती हूँ। दोस्तों यहाँ पे बच्चे तो खा रहे हैं टीवी वाले रूम में खाना, और हम सास बहू खा रहे हैं यहाँ पे बीच में, मस्त सा रोटी सब्जी हरी सब्जी और कड़ी चावल, साथ ही में है हमारा थाली में मूली का सलाद। तो अभी मम्मी हाई नहीं करेंगी अभी फिलहाल, सच में आज हमने झोली, वैसे हम झोली बनाते रहते हैं मूली वगैरह की, लेकिन आज काफी दिनों के बाद ये वाली झोली, तो पकौड़ी वाली तो कब से ही बनाई है, और मूली वगैरह की झोली भी नहीं खाई थी, तो आज हमने कहा चलो झोली खाते हैं। तो अब फटाफट खाना फिनिश करते हैं। दोस्तों छुट्टी के दिन ना खाना पीना खा के छत में धूप में बैठने का जो मजा है ना, वाह यार कसम से बहुत ही अच्छा लगता है धूप में। और आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि आज हमारा इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने वाला है हमारा इंडिया। बाकी पीछे देखिए कैसे खा पी के टन सोए हैं, इनकी बेटी लगी हुई है यहाँ पे, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका पता नहीं क्या कर रहा है, और इनको पता नहीं क्या सुन रहे हैं, किसके उपदेश सुन रहे हैं, और मस्त सा लेटे हुए धूप में। और अभी मेरी आने वाली है मातेश्री, मम्मी आ रही है मेरी, उसके साथ जाना है मार्केट, और साथ ही मैं पवन को भी लेके जाऊंगी, मैं ये अपना सामान लेके घर को आ जाएगी थी, मुझे मार्केट से सामान लेना है, तो मम्मी को मार्केट लेके जाना है। और धूप अब बहुत ज़्यादा लग गई, अब जाती हूँ नीचे, 5-10 मिनट हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए, ऐसे घोड़े बेच के सोए हैं। और ये क्या कर रही है, साइकिल ठीक कर रही है, ओहो खराब हो गई, ये लड़कों वाली हरकतें मत किया कर, तो तू ये लड़कों की वाली हरकतें हैं मत कर, उसे क्यों तोड़ रही, चल आ तो नीचे नानी आने वाली, आ जा नानी आएगी तो बुला दूंगी, तब तक यहीं पे बैठी रहेगी, ठीक है कौन सी साइकिल ले जाऊं, ये खराब खचारा भगले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और पतिदेव पहुँच चुके हैं हल्द्वानी की फेमस गली मटर गली में, तो मटर गली से तो काफ़ी टाइम शॉपिंग करी है हमने, लेकिन इस बार जिस जगह पे हम जाने वाले हैं वहाँ हम पहली बार जा रहे हैं, बजरंग ड्रेसेस करके, ये शॉप हमें बताई थी दीदी ने, दीदी को मैं भी बताई थी गोपाल दा ने, जो वहीं मार्केट के ही हैं। तो गली, इस गलियों में तो इतना देखा है, मतलब इतने टाइम से हम हल्द्वानी में रह रहे हैं, 10-12 साल हो गए हैं, 10-12 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, पवन की तो बर्थ मतलब पैदाइशी हल्द्वानी है, इनका बर्थ प्लेस ही हल्द्वानी है, पर मुझे हो गया है यहाँ पे 10-11 साल हल्द्वानी में। तो पर ये वाली शॉप जहाँ हम आज गए ना, यह मैंने पहली बार ही देखी, मतलब इसका नाम भी नहीं सुना था और देखी भी पहली बार, लेकिन अंदर जाके काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस भी अच्छे हैं यहाँ के। तो यहाँ पे पवन ले रहे हैं अपने लिए ब्लेज़र, कोट पैंट का क्या होता है ना, कभी कभी ओकेजनली पहनना होता है, लेकिन ब्लेज़र का क्या है कि हम कभी भी डाल सकते हैं। तुम अपनी शादी के लिए अपनी शादी में भी करी थी ब्लेज़र, कोट पैंट से। अच्छा तो यहाँ पे भैया ट्रायल
करवा रहे हैं भैया पवन को ब्लेजर का, लेकिन जो अंदर जाके जो एक्सपीरियंस था ना हमारा, कसम से बहुत ही खतरनाक था। मतलब नीचे से किसी शॉप आगे लगेंगे तो बाहर से लगेगा कि यार ये तो शॉप में सब क्या मिलता होगा, लेकिन जो ऊपर गए ना, दीदी ने बोला ही था हमें कि बहुत बड़ी शॉप है, हम तो चलते हैं, जबरदस्त शॉप है। और ब्लू व्हाइट वाला, ये देखिए आज हम कहाँ गुफा से शॉपिंग करके जा रहे हैं, ये देखिए भयंकरी। पहली बार हल्द्वानी में इतने साल रह के पहली बार ऐसी गुफा में से शॉपिंग करी हमने, दिखाते हैं ये भयंकर वाली सीढ़ी, भयंकर वाली सीढ़ियाँ है भाई। आप बाहर से देख के लग रहा है इतनी खतरनाक शॉप होगी अंदर, भैया बिल्कुल गुफा से शॉपिंग करवा दे रहे हैं आप तो। गुफा सही सही बात, हम मैं इंस्टा में फॉलो करती हूँ आपको। आ जाओ लेके आ चुके हैं, बाय जाओ, चलो बाय बाय। क्या भैया अपने ही है, जो पसंद आएगा बता दो। बाय बाय, बात ऐसी घूम जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अभी टाइम कुछ 2:30 बज चुका है और मैं आ चुकी हूँ वापस घर, मम्मी जा चुकी है, मम्मी यहाँ नहीं आई, मम्मी वहीं से चली गई थी, तो क्योंकि फिर टाइम लग जाता है यहाँ आती फिर देर हो जाती, तो मम्मी चली गई थी। मम्मी मैं घर पहुँचते ही यहाँ पे हमारे इंडिया का एक प्लेयर आउट भी हो गया, और अभी आ गए हमारा विराट कोहली और रोहित शर्मा, दो लोग हैं आ गए हैं। अब देखो क्या होता है, फिंगर क्रॉस है आज हमारी इंडिया जीतेगी मैच, आई होप नहीं, मतलब जीतना है इंडिया ने आज। बाकी अब कुछ हाल यहाँ का दिखाते हैं, जो इनके लिए लेके आए हैं वो दिखाते हैं, पापा के लिए जो लेके आए हैं, जो पवन लेके आए हैं वो पहन के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है ये आज मैच के लिए लेके आया हूँ मैं, ठीक हो रहा है। तो ये लिया था हमने पवन के लिए परचेस किया, अब वो दूसरे को भी लेके आओ, अब दूसरे को ऐसे पहन के ही आओ, उसे भी लेके आओ। दोस्तों पापा को पवन ने अपना तो दिखा दिया है, अब पापा को पापा का दिखाते हैं, देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन रहता है, कैसा अपना आसन बिछा लिया है, मस्त उसी तकिया लगा दी है, पापा बिल्कुल नजरें नहीं हटा रहे हैं आज, ये देखो। अरे नजर मत लगाओ उसको यार, खड़े हो जाओ। ये आज आए क्या? हाँ ये आपका हैप्पी बर्थडे आने वाला है, उसका गिफ्ट बड़ा तो नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा ही है, थोड़ा बड़ा है, 42 लाना पड़ेगा, अभी है बड़ा ही। कोई नहीं, इसका साइज छोटा ले आएंगे, पवन ही चले, तुम ही चले जाओगे चेंज करा। यहाँ पे रखने भी लग गए अपना ब्लेजर, पापा का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसका साइज छोटा कराना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे इंडिया के हो चुके हैं 3 विकेट पूरे, पता नहीं आज क्या होगा मैच का। और यहाँ पे आइए मेरी ब्यूटीफुल सी जेठानी, देखिए स्माइल, देखिए कातिलाना स्माइल, अरे देखो तो सही इधर, कितनी जल्दी हम साथ में स्माइल देंगे, बल ऐसे हाय कर चीज वाली, वो पीछे वाला वो दिखी नहीं रहा, मिस्टर गेड़ा जी इन्होंने आज 3 विकेट करवा दिए वहाँ पे बैठ के। अरे यार ये बदतमीजी कर देते हैं ना बीच में आके, इनको शॉट मारनी चाहिए, कौन है ये फोटो खिंचवाते हैं ना। अरे यार वो भी तो फैन है भाई, अरे यार उसमें कॉन्सेंट्रेशन खराब करता है। हाँ अच्छा, तो यहाँ देखिए जबरदस्त, यहाँ मेहमान आए हैं, यहाँ मेहमान आए, इनको कोई मतलब नहीं है, वो मैच में आगे सबसे आगे बैठ के मैच में मसान पूजने आए, मना लिया, मना लिया वाइफ का जन्मदिन कल, 16 तारीख ऐसी 16 कल परसों था, 16 दिसंबर का हाथ पेपर में आया, 2 दिसंबर हाँ दिसंबर 16 तारीख का यही रहेगा, जिंदगी तो गाड़ी लग गई तो दोस्तों इनका यहाँ अलग ही मैच चल रहा है, देखिए यहाँ तो चल ही रहा है, कोहली ने 50 रन पूरे कर दिए अपने, ये 4 रन और ये बड़े खतरनाक कर रहे हैं यार ये फील्डिंग, यहाँ देखो दोनों को क्या मस्त पोजीशन ले रखी है मैच की। नित्या बेटा देख लो मैच, अगर इंडिया जीत गई खूब पटाखे फोड़ने हमने छत पे आज, नहीं मारा उसने
तो यहाँ पे केएल राहुल ने मारा चार। दोनों की बीबियां एक साथ बैठी हुई हैं, केएल राहुल की भी और विराट कोहली की। ये क्या बन के आ गई है, कौन इसको देखो क्या बन गई।